फ्रेंड्स, आज हम चावल के पापड़ बनाएंगे। एक कप चावल से हम ढेरों पापड़ तैयार करेंगे, बिल्कुल बाजार जैसा एकदम पारदर्शी पापड़ बनेंगे और इसे आप साल भर स्टोर करके रख सकते हैं। बिना फिटकरी, बिना पापड़ खार और बिना मीठा सोडा के ये पापड़ फूल कर डबल हो जाते हैं और ये पापड़ बहुत हल्के और बहुत ही खाने में टेस्टी बनते हैं। ये देखिए, तो इसके लिए मैंने एक कप चावल लिया है। चावल कोई सा भी ले सकते हैं, सफ़ेद सफ़ेद चावल हो तो पापड़ और सफ़ेद सफ़ेद बनते हैं। तो एक कप चावल को हम एक बर्तन में डालेंगे और इसमें हम पानी डालकर दो से तीन बार अच्छे से धुल लेंगे। दो बार मैंने चावल को अच्छे से धुल लिया है। अब हम इसे ढक कर भीगने के लिए रख देंगे। चावल को मैंने 3 दिन तक भिगो कर रखा था। इसका पानी हम निकाल कर इसे एक जार में डालेंगे। चावल को जब भीगने के लिए रखें तो आप 12-12 घंटे पर इसका पानी चेंज करते रहें, जिससे इसमें महक ना आए। तो चावल को देखिए, मैंने इस तरह से पीस लिया है। मैंने इस चावल में बस अभी थोड़ा सा पानी डाला है और पहले थोड़ा पानी डालकर ही पीसें, जिससे इसका एक बारीक पेस्ट बने। चावल को पीसने में 1 कप पानी लगा है, तो मैंने 2 बार चावल को पीस लिया है और 1 कप पानी मैंने इसमें और डाला है। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच जीरा डाल रही हूँ। फ्लेवर के हिसाब से आप कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं या अजवाइन वाला पापड़ भी बना सकते हैं। तो मैंने 4 प्लेटें ली हैं पापड़ बनाने के लिए। सभी प्लेटों के पीछे हल्का ऑयल लगाकर तैयार कर लेंगे। अब हम एक भगोने में पानी गर्म करेंगे और उसके ऊपर हम इस तरह से ये प्लेट रख देंगे और इसके ऊपर हम चावल का ये घोल डालेंगे और थोड़ा सा चम्मच से इसे फैला लेंगे। तो इस तरह से बहुत ही पतले पतले पापड़ बनेंगे और एक बार ही प्लेटों को ऑयल से ग्रीस करना है। और प्लेटों पर ऑयल लगाते समय ध्यान देंगे कि हम बहुत ही कम इस पे ऑयल लगाएंगे। अगर आप ज़्यादा ऑयल लगा देंगे तो पापड़ आपके अच्छे से फैलेंगे नहीं। धीरे धीरे ये पापड़ का कलर चेंज होने लगेगा। जैसे ही पापड़ ऊपर से सूख जाएंगे, हम तुरंत इसे पलट देंगे। अब हम 2 से 3 सेकेंड तक इसे इस तरह से रखेंगे। उसके बाद हम इस पापड़ वाले प्लेट को निकालकर ठंडा कर लेंगे, दूसरी प्लेट रखेंगे और उस पर भी हम ऐसे ही पापड़ बनाएंगे। तो चलिए, मैं एक और पापड़ बनाकर दिखा दे रही हूँ। 2-3 प्लेट तैयार करने के बाद हम एक प्लेट से पापड़ निकालते जाएंगे और फिर उस पर हम दूसरा पापड़ बना लेंगे। इस तरह से बहुत जल्दी ये पापड़ बन जाते हैं। बस देखिए, जैसे ही इसका कलर चेंज होगा हम पलट देंगे और इस तरह से हम पापड़ तैयार कर लेंगे। 2-3 पापड़ बनाने के बाद मैं इसे प्लेट से निकाल कर दिखा दे रही हूँ। बहुत आसानी से ये पापड़ निकल जाते हैं और फिर से इसी प्लेट पर हम पापड़ बनाएंगे बिना ऑयल लगाए। इसी तरह से हम सभी पापड़ तैयार कर लेंगे और एक प्लास्टिक शीट पर रखते जाएंगे। तो अब मैंने छत पे इन पापड़ों को फैला लिया है। जब ये थोड़ा सा मुड़ने लगे, सूख जाएं, तब इन्हें दूसरी तरफ पलट दें। तो मैंने कुछ मिर्च वाले भी पापड़ बनाए हैं इसमें। तो मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 चम्मच डाला था, जब आधा पापड़ मैंने सादा बना लिया था। तो ये देखिए, ये पापड़ कितने अच्छे हुए हैं और इसको फ्राई करने के बाद ये बिल्कुल डबल हो जाते हैं और एकदम सफ़ेद सफ़ेद बनते हैं और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। तो इसे मैं तल के दिखा दे रही हूँ। ये देखिए, कितने बड़े बड़े और सफ़ेद सफ़ेद पापड़ बने हैं। तो बिना सोडा, बिना पापड़ खार के भी आप चावल के पापड़ इस तरह से सफ़ेद सफ़ेद और बड़े बड़े पापड़ बना सकते हैं। पापड़ बनाने के बाद आप कमेंट्स में एक बार ज़रूर बताइएगा कि आपके पापड़ कैसे बने हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।